चलते हैं राजस्थान विधानसभा, जहां पर हंगामे की स्थितियां हैं। लगातार विपक्ष की तरफ से जोरदार हंगामा हुआ है। किसानों के मुद्दे को लेकर विपक्ष ने सदन में भारी हंगामा किया है, तो किसानों के मुद्दे पर विपक्ष हमलावर नजर आया। सदन में भारी हंगामा, पक्ष प्रतिपक्ष में आपस में तीखी नोकझोंक हुई है और शोर शराबे के बीच विपक्ष नारेबाजी करा। विपक्षी सदस्य वेल में आ गए और इसी दौरान उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया ने श्री गंगानगर के सोहनलाल कड़ेल अध्यक्ष महोदय का लाइव वीडियो जारी कर सुसाइड को लेकर के सरकार पर आरोप लगाया। कार्य धरातल पर अभी भी शुरू नहीं हुए, अतः सदन के माध्यम से मेरा सरकार से आग्रह है कि श्री डूंगड़ी विधानसभा क्षेत्र के सभी गांव में जल जीवन मिशन के कार्य धरातल पर शुरू करवाकर प्रत्येक घर तक नल व जल पहुंचाने का कार्य शीघ्र से शीघ्र पूरा किया जाए। धन्यवाद। धन्यवाद श्री कन्हैयालाल, श्री सुरेश सिंह रावत। और ज्यादा जानकारी विश्वास है कि बाबूलाल धायल फोन लाइन पर हैं। बाबूलाल, सदन में आज भी हंगामे की स्थिति है, क्या जानकारी? जबरदस्त हंगामा इस वक्त किसानों के मुद्दे पर भी प्रतिपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव लगाए थे, जिस पर विपक्षी सदस्य अपनी बात कह रहे थे। आखिर में जब सतीश पूनिया बोले तो उन्होंने गहलोत सरकार पर कर्ज माफी नहीं करने के आरोप लगाए और उन्होंने कहा कि सरकार ने वादा खिलाफी की है। राहुल गांधी आए थे तो उन्होंने एक से बाबूलाल, थोड़ा सा मैं आपको रोकना चाह रहा हूं और कुछ देर पहले आखिरकार सदन में क्या हुआ उसकी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा दें, फिर से वापस होते हैं। उसने घोषणा करी है, अरे किस मुंह से बात, आपको हक है क्या बात करने का? राजस्थान किसानों के साथ धोखा किया। वीडियो पढ़े तो इस तरह से हंगामे की शुरुआत हुई। विपक्ष की तरफ से कर्ज माफी को लेकर के सवाल उठाए गए और सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बहुत घोषणाएं की थी राजस्थान के लिए, ईआरसीपी समेत तमाम, वो पूरी नहीं हुई और इसके बाद जोरदार हंगामे की स्थितियां बन गई। बाबूलाल धाय लगातार सदन की कार्यवाही को देख रहे हैं और बाबूलाल, अभी क्या स्थिति है और कैसे आखिरकार ये शुरुआत हुई? बाबूलाल, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो लगता है कि बाबूलाल तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आपको बता दें कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तीखी नोकझोंक हुई है। एक बार फिर से आप सुनिए कि आखिरकार इस हंगामे की शुरुआत आज कैसे हुई। 1.1 उसमें घोषणा करी है, उसमें घोषणा करी है, अरे किस मुंह से बात, क्या बात करने का? करेंगे नहीं करते हो यहाँ पे, दलाली करते हो यहाँ पे। मोदी जी ने क्या कहा था? माफी पे जवाब दो, दलाली क्या कहा था? मोदी जी को फांसी दो, मोदी जी वाला भी तो बोलो, फांसी दो मोदी जी का भी तो बोलो, मोदी मुद्दा पास, मोदी जी का बोलो, 15 लाख मोदी ने क्या कहा था? 15 लाख चुनाव में राजस्थान किसानों के साथ। इस सरकार के कार्यकाल का ये आखिरी सत्र है विधानसभा का और इस दौरान आज भी जमकर नारेबाजी और हंगामा देखने को मिला। सतीश पूनिया ने कहा श्री गंगानगर के सोनलाल कड़ेल का वीडियो दिखाते हुए कि मौत के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है और कई किसान आत्महत्या कर गए। राहुल गांधी ने 10 तक की गिनती गिनी थी, आज 1700 से ज्यादा दिन हो गए हैं, किसान का कर्जा अभी तक माफ नहीं हुआ। जन घोषणा पत्र की वादा खिलाफी को लेकर के भी आरोप लगाए।
सत्ता पक्ष की ओर से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक गोविंद सिंह डोटासरा ने मोर्चा संभाला। डोटासरा ने कहा कि प्रधानमंत्री जब राजस्थान आए पिछली बार विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, तब उन्होंने क्या क्या घोषणाएं की थी वो लागू नहीं की। उन्होंने कहा कि आप प्रधानमंत्री की घोषणाएं भी बताइए। ईआरसीपी पर घोषणा करके मुकर गए, यह आरोप सत्ता पक्ष ने लगाया। और इसी बीच कुछ विधायक जो है वो लगातार ये नारेबाजी भी करते रहे कि जो दरिंदे हैं उनको फांसी की सजा दी जाए। जोधपुर गैंगरेप का मुद्दा भी इसके साथ गूंजता हुआ दिखाई दिया। कुल मिलाकर के किसानों का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा और साथ ही कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर के जमकर हंगामा हुआ है। आसन के सामने भी कुछ विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी की। आसन पर सीपी जोशी लगातार बैठे हुए देखते रहे, उसके बाद में थोड़ी सख्त नजर आए। कल भी उनकी सख्ती दिखाई दी थी और उन्होंने साफ कह दिया था कि जो भी माननीय सदस्य सदन की गरिमा का पालन नहीं करेगा उन्हें बाहर भेज दूंगा। तो आज भी जो हंगामे की स्थिति है वो यहाँ पर देखने को मिली। और आज आपको बता दें कि 17 और 18 तारीख को कांग्रेस पार्टी की तरफ से व्हिप जारी की गई है और व्हिप में ये बताया गया है कि 17 और 18 को कुछ महत्वपूर्ण विधेयक सदन में रखे जाएंगे। तो ऐसे में कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं वो सदन में रहे, ये पाबंद किया गया है व्हिप जारी करके, ये बताया गया है। साथ ही आज किस तरीके से देखिए हंगामा हुआ, एक बार हम आपको फिर से सुनाते हैं कि आज हंगामे की स्थिति कैसे बनी जब सदन की शुरुआत आज हुई। और हमारे साथ सहयोगी सुधीर शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर, आज भी हंगामे की स्थिति है, कैसे ये हंगामा बरपा है सदन में आज? देखिए सदन में हंगामे की जो स्थिति के लिए विपक्ष यानी पूरा भाजपा विधायक दल एकजुट हो रखा है। उन्होंने पहले ही ये निश्चित कर रखा था कि आज किसान कर्ज माफी के मुद्दे को लेकर सरकार पे गिरेंगे और शून्यकाल में जिन प्रस्तावों के जरिए मामला उठाया गया था वो तमाम विधायकों ने किसान कर्ज माफी के मुद्दे पर ही चर्चा की। इस दौरान जब सतीश पूनिया बोल रहे थे उन्हीं के दौरान जो विधायक है गोविंद सिंह डोटासरा, उज्जवल अंजना जो मंत्री है और सीएम लोढ़ा ने उनके बोलते हुए बीच में हस्तक्षेप किया और किसान कर्ज माफी जो की गई थी उसको लेकर उन्होंने बोलना चाहा सत्ता पक्ष की ओर से। इस बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तीखी नोकझोंक हुई और इसी मसले को लेकर समूचा जो भाजपा विधायक दल है वो विपक्ष बिल में पहुंच गया और नारेबाजी करने लगा कि किसान कर्ज माफी होनी चाहिए। इसके बाद हंगामा और विधेयक और उसके बाद में बीजेपी विधायक दल के जो नेता है राजेंद्र राठौड़ जो प्रतिपक्ष नेता है उन्होंने बहिर्गमन किया है, वॉकआउट किया है और उसके बाद से अब विधानसभा की कार्यवाही अब सुचारू रूप से शुरू हो गई है। मैं आपको बता दूं कि आज जिन जो खास जो दो बिल है जिन पे चर्चा होनी है उन पर अभी चर्चा शुरू हो गई है जिसमें राजस्थान तो महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस और सोशल साइंसेज विधेयक है वो भी आज पेश किया जाना है क्या? देखिए आज केवल दो विधेयक हैं जो पारित होंगे, राजस्थान कारागार विधेयक 2023 और राजस्थान संगठित अपराध का नियंत्रण विधेयक 2023। ये दोनों बिल पहले सदन में इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। जब मार्च में जब ये विधानसभा की कार्रवाई चल रही थी उस दौरान इंट्रोड्यूस हो चुके थे और आज विचार के बाद इन दोनों विधेयकों को पारित किया जाएगा। तो दोनों ही नए बिल है और दोनों ही पर चर्चा बड़ी अहम रहने वाली है आज के राजस्थान के इतिहास के हिसाब से, राजस्थान के विधानसभा के हिसाब से, क्योंकि जो राजस्थान संगठित अपराध के नियंत्रण विधेयक है उसको आज पास किया जाएगा, उसके बाद इसके लागू हो जाएगा, प्रदेश में इसके नियम बनेंगे। तो ये अपराध के लिए, अपराध की श्रेणी के लिए, अपराध में सहायता करने वालों के लिए, अपराध में कोई व्यक्ति अपराधी को छुपाता है। लेकिन सुधीर, ये राजस्थान कारागार विधेयक 2023 है, ये क्या है आखिरकार, क्या इस पर अब आज चर्चा होगी और आज ही इसे पारित किया जाएगा? असल में राजस्थान कारागार विधेयक 2023 इस बात को इंगित करता है कि जो कारागार और कारागार में अपेक्षा के लिए जो सुपर्द किए गए बंदी है ना उनके संबंधित विधि को समेकित करने और उनको सशक्त और आनुषांगिक विषयों से अवबंध बनाने के लिए, यानी कारागार में जो बंदी रहेगा वो किनके अधीन रहेगा, किस तरह से उसको रखा जाएगा, उसके क्या अधिकार रहेंगे और तमाम जो विषय है किस तरह के कैदी को किस तरह रखा जाएगा उन विषयों को ये इंगित करने वाला है। क्योंकि ये इस पर अभी चर्चा हुई है और अभी सदन में जो बोलने के बाद इसमें संबंधित मंत्री है टीका राम जुली उनका जवाब आएगा, तब विस्तृत रूप से व्याख्या सरकार की ओर से की जाएगी कि राजस्थान कारागार विधेयक 2000। जी सुधीर, नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।